आज हम बनाएंगे 4 किलो गोश्त का कोरमा, यानी कि 4 किलो कोरमा, जिसके लिए हमने लिया है 4 किलो गोश्त। हमने बगैर हड्डी का गोश्त लिया है, सिर्फ बोटियां ही बोटियां। 3 पाव प्याज लिया है हमने, इसको पीस लिया है। 1 पाव लहसुन अदरक हमने लिया है। 6 से 7 तेजपात के पत्ते हमने लिए हैं। 1/2 कटोरी साबुत गरम मसाला हमने लिया है। 1/2 कटोरी नमक हमने लिया है, वैसे नमक हमने 6 चम्मच लिया है, जिससे ये 1/2 कटोरी हो गया है, बाकी बाद में कमी बेशी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 कटोरी पिसा धनिया हमने लिया है। 1 छोटी सी कटोरी इलायची की हमने भर के ली है। 4 किलो का कोरमा क्योंकि हम बना रहे हैं। 4 चम्मच हल्दी हमने ली है। 1 कटोरी जायफल जावित्री हमने ली है, आप देख सकते हैं कितनी हमने ली है। 1 कटोरी लाल पीसी मिर्चे हमने ली हैं। 1 किलो दही हमने लिया है। 3 पाव प्याज लेके इसको हमने फ्राई करने के लिए, यानी कि भगार करने के लिए 3 पाव प्याज लेके इसको बारीक बारीक काट लिया है। आज हम आपको ज़्यादा कोरमा बनाना इसलिए सिखा रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर में इतना सारा खाना बन नहीं सकता, तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि घर में भी अच्छा और खाना और ज़्यादा खाना बना सकते हैं आराम से। चीज़ें आपने हमारी ठीक से अच्छे तरीके से नोट कर ली हैं, अब हम आपको बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो तेल लेके इसको हमने जला लिया है, हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इसे जला के इस्तेमाल करते हैं। आप जो इस्तेमाल करते हैं तेल, उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। सबसे पहले तेल के अंदर हम प्याज डालेंगे फ्राई करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है घर में अच्छा खाना नहीं बन सकता, ये ज़्यादा खाना नहीं बन सकता, हमें गलत साबित करना चाहते हैं। और वैसे भी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, इसलिए बाजार से हर एक खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें छोटी मोटी तकलीफों के लिए आप घर में ही खाना बना सकते हैं। कोरमा बनाना हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पुरानी रेसिपी है, पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है, इसको भी आजकल के लोग घर में बनाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये बआसानी घर में बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। बाकी की रेसिपी आपको बताएंगे, बाकी का सालन हम बनाना शुरू करेंगे। प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी कच्ची पक्की हो चुकी है, अब हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे, जो 1/2 कटोरी हमने साबुत लिया था। प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा। प्याज क्योंकि थोड़ी सी हमारी ज़्यादा है, यानी कि हम 4 किलो पका रहे हैं, प्याज के 1 किलो के करीब है, इसलिए इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना जितना ज़्यादा मुझे इसको भी आप बाहर दे सकते हैं ज़्यादा खाना। प्याज देखें हमारी होने लगी है, थोड़ा देर लगी है इसे, लेकिन ये होने लगी है, डार्क ब्राउन होने लगी 5 से 10 मिनट। प्याज देखें हमारी हो चुकी है जितना डार्क कलर हमें इसका करना था, हम क्योंकि बिल्कुल बाजार जैसा कोरमा बना रहे हैं इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करा है, डार्क नहीं करा है, हमने इसका लाइट गोल्डन कलर छोड़ दिया है। तरीके से जितने प्याज हो आप कोने में करके आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। प्याज हो चुकी है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन, अब हम तेल के अंदर इलायचियाँ डालेंगे, ग्रीन इलायची यानी कि छोटी इलायची। तेल में अच्छी तरह से इलायची हमने फ्राई कर ली है, अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर अपना गोश्त शामिल करेंगे, पहले से धो के रखा हुआ है। छोटी छोटी सी बोटियाँ हमने इसकी बना ली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ होती हैं इस वजह से। ये देखिए गोश्त में हमारे कहीं भी आपको हड्डी नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने बगैर हड्डी का गोश्त लिया है, लेकिन हड्डी डालने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तो आप उसका भी बहुत ज़्यादा कोरमा बना सकते हैं, हम क्योंकि बिल्कुल बाजार जैसा कोरमा बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी बना रहे हैं कि घर में इतना ज़्यादा खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि कम बनता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि गोश्त हमने पहले से ही धो के रखा हुआ था, हमने वो तेल के अंदर शामिल कर दिया है। 10 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करनी है आपने, किसी भी तरह आपकी बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। आराम से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल तो उसी तरह से बनेगा ये, जिस तरह से थोड़ा सा बनता है उसी तरह से ज़्यादा बनेगा। इस तरह आपको घर में खाना बनाने से आपकी बचत भी होगी और आपको अच्छा खाना बनाना भी आ जाएगा। हम आपको बहुत सिंपल और आसान तरीका बताते हैं खाना बनाने का। इस तरीके से वो लोग भी खाना बना सकते हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। बाज़ दफ़ा घर में छोटे बड़े प्रोग्राम निकल आते हैं जिसकी वजह से खाना बनवाना पड़ता है बाहर से। बाहर वाले क्योंकि सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं रखते हैं, इसलिए हम आपको साफ़ सुथरा घर का तरीका बता रहे हैं। इससे भी बिल्कुल आप बाज़ार जैसा कोरमा ही बना सकेंगे और अपने हाथों का होगा, आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ आपने कितनी ज़्यादा सफाई से इस्तेमाल की है। क्योंकि अपने हाथ से बना के खिलाने की जो खुशी होती है उसकी बात ही अलग होती है। 10 मिनट से भी ज़्यादा हमने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए बोटियाँ अभी तक बिल्कुल फुल बंधी हुई हैं, कहीं से भी कुछ भी ये कच्चा नहीं है। अब हम इसके अंदर और चीज़ें भी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जो हमने आपको बताया था कि हमने एक पाव लेके पीस लिया है। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से हमारा गोश्त भी गलने लगेगा। इस तरह से अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। सिर्फ आधा गिलास पानी डाला है हमने इसके अंदर और बाकी लहसुन अदरक का पानी होगा जिसमें गोश्त हम गलाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डालिएगा आप लोग क्योंकि फिर आपको खुशक भी करना पड़ेगा, बाद में आपने इसे भूनना भी है। देखें अब हम इन चीज़ों को मिक्स करके दिखा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आसान है इनको मिक्स करना। अब हल्दी डालेंगे, आधी कटोरी हल्दी ली थी हमने क्योंकि हमारी हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर धनिया डाल शामिल करेंगे जो हमने एक कटोरी लिया था, क्योंकि हमारा सारा मसाला तो घर का है इसलिए हमें पता है कि इतना डालने से काम हो जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। नमक भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, इससे गोश्त बहुत ज़्यादा आसानी से गल जाता है और आपको ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मिर्चें हमने एक कटोरी ली थी घर की सूखी हुई पीसी हुई। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, इस तरह से सारा मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और फिर सिर्फ आपने गोश्त गलाना रह जाएगा। ये देखिए अभी से आपका बाहर जैसे कोरमे जैसा कलर आ रहा है। ये देखिए खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, जबकि अभी इसको पकने में कम से कम 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि घर के मसाले हैं इसलिए इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो कलर भी आप इसका देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये देखें हमारे कोरमे में कलर आना शुरू हो गया है, तार भी इस पर आने लगा है, लेकिन अभी इसे हमें भूनना है इसलिए हम एक दफ़ा भूनेंगे कुछ करके, उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर तेज़ पत्ता डालेंगे, इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी बहुत कर देता है खाने को और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। अब हम इसके अंदर जायफल जावित्री डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से हाथों से कूटेंगे क्योंकि हाथों से कूटने की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जायफल हमारा थोड़ा सा सख्त है, इसको कूटने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन हम इसका फिर भी पाउडर बना देंगे। ये देखिए जायफल हमारा अच्छे तरीके से पिस चुका है। क्या हमें इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा ऐसे दरदरा रखना है, उससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है। अब हम इसमें जावित्री डाल के इसको भी कुटा कुटा कर लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसे भी हमें दरदरा ही करना है।
ये देखिए हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है, इसका भी हमने ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है वरना खुशबू ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। दस मिनट हो चुका है हमारे कोरमे को पकते हुए, देखिए कितनी ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही है और कलर तो आप लोग देख ही सकते हैं इसका। ये बिल्कुल तैयारी होने वाला है, इसमें बस कुछ चीज़ों की कमी बाकी है, उसके बाद हमारा ये कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि 4-5 किलो आराम से घर में पकाया जा सकता है। 5 मिनट और हो चुके हैं हमारे गोश्त को पकते हुए, हम चेक करेंगे कि गोश्त गला या नहीं। गोश्त गल जाएगा तो इसके अंदर कलर तो आप देख ही सकते हैं हमारा कितना अच्छा है। गोश्त हमारा गल चुका है, अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करके इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे। लेकिन हम इसे 5 मिनट तक भूनेंगे, उससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ऐसे भी हम कोरमा बाजार जैसा बना रहे हैं, बाजार वालों के तो कलर और खुशबू ही बिल्कुल नहीं है, लेकिन घर के कोरमे में जायका भी होता है, इसलिए हम आपको इतनी आसान रेसिपी से पकाना सिखा रहे हैं। आपने देखा था हमने प्याज और गरम मसाले को एक साथ ही भून लिया था, प्याज भी हमारी हल्की लाइट ब्राउन है। अब हम दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसेंगे। हम इसके अंदर प्याज और दही शामिल करेंगे क्योंकि कोरमा हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसलिए अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी अपनी शामिल करेंगे। कलर आप इसका देख ही सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है और खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और कलर आप अपने हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी क्योंकि घर की मिर्चें थी इसलिए कम में भी कलर ज़्यादा आया है। अब हम इसके अंदर प्याज और दही शामिल करेंगे पिसा हुआ। प्याज हमारी फ्राई हुई हुई थी, चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाएंगे ताकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें। कितनी आसानी से बन गया है ये घर में भी, बनवाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपको साफ़ सुथरा भी खाने के लिए मिल सकेगा। ये देखिए कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। सालन हमारा हो चुका है रेडी, खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब हम आपको इसे प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। कोरमा हो चुका है हमारा तैयार, इसको हमने प्लेट में निकाल दिया है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि 4 किलो 5 किलो 10 किलो तक भी घर में खाना बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी परेशानी तो हर चीज़ में होती है, लेकिन इससे आपको साफ़ सुथरा खाने को मिलेगा। आजकल क्योंकि कोरोना है इस वजह से हम आपको हर चीज़ घर में बनाने का बता रहे हैं, इसीलिए आप छोटे मोटे प्रोग्रामों में खाना भी घर में बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी गलती कोताही और तारीफ़ को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।